हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपके दांतों और मसूड़ों में पस बनती है, मवाद बनती है, यानी कि अब्सेस बनती है, तो उसका क्या रीज़न है, किन कारणों की वजह से मवाद बनती है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों और मसूड़ों से येल्लो रंग और वाइट रंग का डिस्चार्ज होता रहता है। ये पस और मवाद बनने का सिम्टम होता है कि आपके जब भी आप ब्रश करते हो या कुछ भी खाते पीते हो तो आपको ऐसे फील होता है कि कुछ लिक्विड निकल रहा है, तो ये पस होती है, यानी पस, या इसको आप मवाद भी बोल सकते हो। ये अब्सेस की वजह से होती है। अब्सेस है वो दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है कि आपके पेरी अपाइकल एरिया, यानी दांत का जो रूट होती है उस रूट के ठीक पोर्शन पे, किनारे पे वो पस होती है, जिसको हम पेरी अपाइकल अब्सेस कहते हैं। दूसरी होती है आपके मसूड़ों में, आपने देखा होगा आपके जिंजाइवल एरिया पे, जिसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल अब्सेस। ये दो टाइप्स की अब्सेस होती हैं। ये अब्सेस है, उनके बनने के रीज़न क्या होते हैं। अगर जो पेरी अपाइकल अब्सेस होती है वो होती है दांत में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि केविटी हो जाती है, सड़न हो जाती है, और जो मवा अंदर जो सड़न है, केविटी है, वो इन्फेक्शन निकल नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में अंदर पस बन जाती है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा भी कोई भी बैक्टीरियल पोर्शन दांत के अंदर रह जाता है और ऊपर से केप लगा दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पेरी अपाइकल अब्सेस बन सकती हैं। अगर आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरी अपाइकल एरिया में, दांत पे कोई अचानक से प्रेशर लगता है किसी भी चीज़ से, कोई भी हार्ड चीज़ बाइट हो जाती है या कोई भी चीज़ का प्रेशर अगर दांत पे पड़ता है, तो उसकी वजह से भी अब्सेस बन सकती है। अगर इसके अलावा अगर आपके जो पेरियोपाइकल जो लिगामेंट्स होता है उसमें कोई स्वेलिंग हो जाती है, कोई अदर इन्फेक्शन हो जाती है, अदर डिजीज़ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके पेरियोपाइकल अब्सेस बन सकती हैं। तो ये तो है पेरियोपाइकल अब्सेस बनने के रीज़न। अब जानते हैं पेरियोडोंटल अब्सेस बनने के क्या कारण हैं। पेरियोडोंटल का मतलब होता है आपका जो मसूड़े हैं, जिंजाइवल पोर्शन है, उस पर आपको फुंसी जैसा लगना, यानी कि आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपके जिंजाइवल एरिया पे आपके पस निकल रहे, वाइट रंग का डिस्चार्ज, वाइट या येलो रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर रेड ब्लड के साथ येलोविश कुछ लिक्विड है वो निकल रहा है, तो ये पेरियोडोंटल अब्सेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके कभी भी पायरिया की प्रॉब्लम है, कभी भी पायरिया रहा है, या फिर उसका ट्रीटमेंट करवा लिया, कुछ दिनों बाद आपके अपने आप कुछ भी लिक्विड जैसा निकल रहा है, तो ये पायरिया में अब्सेस बनती है। अगर आपके कभी पायरिया की प्रॉब्लम रही है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम रही है, या फिर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पेरियोडोंटल अब्सेस हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ खाना खाया है, कोई भी चीज़ खाई, और वो आपके मसूड़ों में फंस गई है, आपने ब्रश कर लिया, एक या दो दिन में वहाँ सड़न हो गई, सड़न से आपके मसूड़ों में पस बन जाती हैं और वो अब्सेस का रूप ले लेती हैं, तो इसकी वजह से भी पेरियोडोंटल अब्सेस बन सकती है। अगर आपके मसूड़ों में कोई चोट लग जाती है, कुछ भी कोई हार्ड चीज़, कोई ऐसी चीज़ आपने अचानक से बाइट कर ली और उसकी वजह से आपके मसूड़ों में चोट लग गई है, तो धीरे धीरे जाके वो भी पस का फॉर्मेशन अब्सेस बन जाती है और वहाँ से भी पस निकल सकती है। इसके अलावा अगर आपके आपने कभी थर्ड मोलर निकलवाया, यानी अक्कल दाढ़ का सर्जरी करवाई है, तो वहाँ पर भी कुछ दिनों बाद अगर हम अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर भी जो घाव होता है वहाँ पर पस बन सकती है। ये तो है नॉर्मल रीजन। अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों पे रेगुलर अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हो, पुअर ओरल हाइजीन आपकी, रात को आप ब्रश नहीं करते हो सोने से पहले, या फिर सुबह अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके अब्सेस बन सकती है, मवाद बन सकती है मसूड़ों और दांतों में। मसूड़ों की रेगुलर मसाज जरूर कीजिए। अगर आप मसाज नहीं करते हो तो भी वो पस फॉर्मेशन हो जाते हैं, क्योंकि खाना धीरे धीरे, कोई भी नॉर्मल खाना भी होता है वो भी वहाँ फंसता है मसूड़ों में। अगर आप रेगुलर मसाज कर लेते हो मसूड़ों से तो वो निकल जाता है, जिससे वहाँ पे कोई भी अब्सेस नहीं बनती। इसके अलावा अगर आपने कोई भी चॉकलेट या कोई भी फास्ट फूड का आप सेवन करते हो, मोस्टली बच्चों में देखा है आजकल कि फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा शौकीन है बच्चे, तो अगर वो फास्ट फूड का सेवन करते हैं और अच्छे से ब्रश या कुल्ला नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनके पस बन सकती है।
तो ये है पस बनने के रीज़न। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके दांत में पेरी अपाइकल अब्सेस है, यानी कि जो दांत है उसकी रूट पोर्शन पे अब्सेस है, तो उसके लिए हम रूट केनाल ट्रीटमेंट करते हैं, साथ ही अब्सेस को ड्रेन करते हैं, उसको जो उसके जो फाइल्स होते हैं उससे हम क्लीनिंग करते हैं, साथ ही साथ उसको जो अब्सेस या फोम मशीन हो गई है वहाँ पस निकालने के लिए उसको वहाँ से ड्रेन करते हैं। ये भी ट्रीटमेंट सक्सेस होता है। लेकिन बाय चांस किसी रीजन की वजह से, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की वजह से अब्सेस कभी कभी क्या बहुत हार्ड फॉर्म ले लेती है, तो वो ट्रीट अगर नहीं हो पाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें दांत की सर्जरी करनी पड़ती है, दांत को निकालना पड़ता है अब्सेस ड्रेन करने के लिए। ये तो अगर पेरियोपाइकल एरिया में अब्सेस है तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है। अगर पेरियोडोंटल एरिया में अब्सेस है, यानी कि आपके मसूड़ों या फिर जिंजाइवा में अब्सेस है, तो हो सकता है कि वो पायरिया की वजह से हो, जिंजिवाइटिस की वजह से हो, या फिर मतलब जो गम डिसेशन है उनकी वजह से है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसकी स्केलिंग करते हैं और रूट प्लानिंग करते हैं। स्केलिंग और रूट प्लानिंग के थ्रू उसको हम निकाल लेते हैं, मसूड़ों को मसूड़ों का साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। इसके अलावा हम पस को एस्पिरेशन यानी कि सिरिंज की मदद से उसको एस्पिरेट भी करते हैं, जहाँ अगर आपने कहीं फुंस जैसा दिख रहा है और वो क्लीन नहीं हो रही है, निकल नहीं पा रही है, तो वहाँ पे हम लोग है वो सिरिंज की मदद से उसको एस्पिरेट निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि ये सब करने के बावजूद भी अगर आपकी जो पस है वो ठीक नहीं होती है, तो हम सर्जरी के द्वारा दांत को निकाल के और उसको फिर ड्रेन करना पड़ता है, ताकि वो आगे जाके कोई बड़ा इन्फेक्शन न क्रिएट करे। तो ये है दांतों और मसूड़ों में पस का इलाज। इसके अलावा आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए और अच्छे से अपने दांतों की सफाई कीजिए, अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।